आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7। मकबरा के रास्ते पर बना शौचालय, प्रशासन को इसकी भनक भी नहीं। नाले का पानी सड़कों पर बरसों से पसरा है, राहगीरों को करनी पड़ती है काफी मशक्कत। आप जो देख रहे हैं वह कोई तालाब नहीं, यह वार्ड नंबर 43 का मुख्य सड़क है, जहां लोगों को वर्षों से नाले के पानी में तकरीबन 1 किलोमीटर तय करके बाजार, स्कूल, कॉलेज व कार्यालय जाना पड़ता है। नाले का पानी इस कदर सड़कों पर फैला रहता है कि वह तालाब का रूप ले लिया है। वहां के लोगों का कहना है कि जिस तरफ से नाले का पानी पास होता था, किसी ने मुहाले पर ही शौचालय बना दिया है, जिसके चलते नाला का पानी रोड पर आकर तालाब का रूप धारण कर लेता है और वार्ड 43 के लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वही लोगों के कहने पर उनसे मारपीट भी शुरू हो जाती है और तो और कुछ लोगों पर तो FIR भी दर्ज करा दिया गया है। गौरतलब हो कि वहां के लोगों का कहना है यह रास्ता मकबरा का रास्ता है, जहां पर अमूमन लोगों के द्वारा शौचालय बना दिया गया है, प्रशासन को इसकी थोड़ी भी जानकारी नहीं है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या भागलपुर की नई मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन हसन इस पर कुछ एक्शन लेते हैं, या फिर और पिछले मेयर की तरह वह भी अनसुना करते हैं। कहीं जनता के साथ फिर से धाक के तीन पात वाली बात तो नहीं हो जाती है कि जिस तरफ से नाला पास होता था पप्पू इलियास के तरफ से, वहाँ पर मोती मियाँ ऊपर में लाइटिंग बना दिया है, इसके कारण से पानी निकलता नहीं है। हम लोग इधर बोले 29 तारीख को जा करके उसको, तो और झगड़ा मार करने लगा। और दूसरा बात है कि जो पूर्व पार्षद था सफीरुल आलम, वो बोला तो उस पर जाकर FIR करवा दिया कोर्ट में। फिर भी हम लोग जाकर उसको कहा कि आप जो इसको घेर रहे हैं ये आपका तो नहीं है, बोला मेरा है, जबकि हम लोग को ये पता कि वो मकबरे का रास्ता है और बगल से नाला 3 फीट का, उस सारे को घेर लिया है और बोलने पर जो है झगड़ा तगड़ा करने पर उताऊ हो रहा है। उसके समस्या से यहाँ पर जितना देख रहे हैं सब तरफ पानी आ रहा है और सब पब्लिक आके हमको शिकायत कर रहा है। ये हमारे शीतल प्रसाद अम्बाबाग का ये रोड है, ये परेशानी लगभग 1 साल से है और ये समस्या को हम बार बार अपने पार्षद अरशदी बेगम के पास लेके जाते हैं और उसका निवेदक उनके पति हस्बैंड सोनू मियां के पास लेके जाते हैं, वो इसका समाधान करने में अभी बिल्कुल विफल है और बार बार। आज अभी ये देख सकते हैं कि जो ये पानी है, ये नाला है, जो हमारे घर में जाते हैं, जो हम घर से निकलते हैं नहा धोके तो नाला के अंदर ये हमें जाता है और हमारे बाल बच्चे जो स्कूल, मतलब पैदल बुलना भी बेकार हो गया। आप इनको दिखा सकते हैं ये वीडियो में, क्या आप इसको दिखा सकते हैं? इसीलिए ये हमें समाधान जल्द से जल्द, इस समस्या लगभग 1 साल से है, ये समस्या 1 साल से है और हमें अपने पार्षद को बराबर जाके सूचना और वीडियो भेज रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रहा। क्या काम है? विजय पंडित, ये पानी नाला का बार बार जो है सो ये पानी रोड पे आ जाता है, बाल बच्चे को पढ़ने लिखने में, स्कूल जाने में कठिनाई होती है और हम लोग बार बार वार्ड काउंसिलर को जो है सो कहते हैं जाके, तो वो कभी बोलता है कि हम क्या करेंगे और सब मिल करके थाना आओ और ये जाके थाना प्रभारी कहेंगे, वहाँ नाले जाम कर दिया है, कोई मोती मियाँ है उसके उसके जमीन पे बोल रहा है कि हमारा जमीन है, इसलिए नाला पैक कर दिया है। ये सालों भर से हम लोग परेशानी झेल रहे हैं, दिक्कत काफी हो रहा है कि स्कूल बच्चे को स्कूल जाने में दिक्कत हो रहा है, कहीं आना जाने में दिक्कत हो रहा है, घर से निकलते हैं और पानी भर ठाना पानी में डूबते हैं। प्रद्युमन कुमार राय, देखते हैं नाला आ रहे हैं, पुनी में खड़ा होती है, यही पुनी में लालेरपुनी बारा निकासी आई है ना, हम लोग ऐसे पुनी में डूबते हैं, निकलते हैं, आते जाते हैं यही पुनी में रोजे की करेंगे, पार्षद को जाकर बोलते हैं पार्षद सुनबे नहीं करता है। कितना दिक्कत हो रही है? कितना दिक्कत वही तू बोले घुटनों पर पुनी में खड़ा है। परेशानी 2 महीना 3 महीना से करीब परेशानी है, छोटा छोटा बच्चा गिर पड़ जाता है, कैसे जाएगा बताइए? ये हालात रहेगा दोनों तरफ से एकदम बहुत परेशानी है, कादो कीचड़ पानी में डूब डूब के जाता है, गिर पड़ जाता है, हाँ नहा के जाता है, खराब गंदा पानी रहता है, किस तरीके से जाएगा आदमी बताइए? कितना दिन से बह रहा है? 2-3 महीना से बह रहा है, बोल रहे कोई सुनवाई नहीं हो रहा, कुछ नहीं सुनवाई हो रहा, काउंसलर आता देख के चला जाता है। किसका? हमारा आशियाना। खबरों में अब तक बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लोकल टीवी न्यूज 24/7। आप देख रहे हैं लोकल टीवी न्यूज 24/7, सब पर नजर, सबकी खबर।